कर लिया। अच्छा, अब हमें ना पहले क्विकली जो है एरिथमियाज डिस्कस कर लेते हैं, और उस एरिथमियाज में जो मेनली हमारा वो रहेगा, हम ईवी ब्लॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फ्लाटर, उनकी जो वेव्स ईसीजी में बन रही होती है, मेनली हमारा ये टॉपिक होगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है नॉर्मली जो हम नॉर्मल साइनस रिदम की बात करते हैं, वो साइनस रिदम क्या है कि ऐसे नोड से जो है वो इम्पल्स स्टार्ट होती है, वो फिर थ्रू एवी नोड वेंट्रिकल में एंटर होती है, और वेंट्रिकल से पूरे वेंट्रिकल को वो डीपोलराइज करती है बाय राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। वहां से पखंजी फाइबर्स निकलते हैं एंड दे आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर, जिससे कि पूरा का पूरा हार्ट जो है वो डीपोलराइज होता है। एट्रिया की डीपोलराइजेशन अहेड ऑफ द वेंट्रिकल होती है, तो इसीलिए हमें एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव नहीं दिख रही होती है ईसीजी के अंदर। एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव उस वक्त दिखेगी जब जो है एट्रिया और वेंट्रिकल की जो डीपोलराइजेशन है उसमें डिसोसिएशन हो जाए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव जैसे हमें जो है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इजीली देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टेकीकार्डियास की डेफिनेशन क्या है कि अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो तो टेकीकार्डिया है, और अगर जो है 60 से कम हो तो ब्रैडीकार्डिया हो। नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर जो ब्रैडीकार्डियाज जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में हो सकते हैं, वो ब्रैडीकार्डियाज वो एथलीट्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा होता है कि उनका हार्ट स्ट्रांग होता है तो रेस्टिंग हार्ट रेट उनका कम हो जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। अब नॉर्मल ब्रैडीकार्डियाज जो है वो हम उसको कैरोटिड साइनस सिंड्रोम कहते हैं, कि एज के साथ जब आथरोस्क्लेरोसिस होती है, अगर वो कैरोटिड साइनस की जगह पे थिकनिंग ऑफ द वेसल हो जाए, ठीक है ना, तो अगर जो है इसको टाइट कॉलर सिंड्रोम भी कहते हैं, तो एल्डरली पीपल अगर जैसे अपना कॉलर का बटन टाइट करें या जो है नेक के एरिया में मसाज करें, तो जिसकी वजह से ब्रैडीकार्डियाज हो जाते हैं, और इतने भी हो सकते हैं ये ब्रैडीकार्डिया की उसे फेंटिंग भी हो जाए। दैट इज द जो है टाइट कॉलर सिंड्रोम और कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। ठीक है, और एल्डरली पीपल में होगा आथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, वेसल्स जो है वो थिकन हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्रैडीकार्डियाज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास ब्लॉकेज कहाँ कहाँ हो सकती है। अच्छा देखो, अब हमारे पास हार्ट का जो पेस मेकर है दैट इज SNO। अगर SNO जो है वो इट स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, वो रीजन क्या हो सकती है, वो रीजन ये हो सकती है कि वहां पे स्कीमिया हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गई है, कोई और चीज हो गई है, मैकेनिकल डैमेज हो गया है, ड्यू टू एनी रीजन अगर SNO स्टॉप वर्किंग, द सेकेंड वन विच विल लीड द जो है रिदम दैट इज द एवी नोड। ठीक है, और अगर एवी नोड भी जो है अगर उसने कंडक्शन स्टॉप कर दिए, अगर ऐसे काम कर भी रहा है और एवी ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो जो है देन द पखंजी फाइबर्स विल टेक ओवर द फंक्शन। लेकिन पखंजी फाइबर्स जो है दे आर नॉट इनफ, उनकी जो बीट्स होती हैं दैट इज नॉट इनफ फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, तो वो टेम्पररी तो बेनिफिट दे देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वी नीड के पेशेंट को फिर हम पेसमेकर से रिप्लेस करें। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा, कोई भी अबनॉर्मल जो इम्पल्स कंडक्शन है उसमें रीजंस वही हो सकते हैं जो चार रीजंस है, कि स्कीमिया है, कंप्रेशन है, इंफ्लेमेशन है, या एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, दैट कैन ब्लॉक द इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे इजी वाला जो ब्लॉक है दैट इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें सिंपल क्या हुआ है कि PI इंटरवल बढ़ गया है, जो चार स्मॉल बॉक्सेस में आना था वो स्मॉल बॉक्सेस चार से जब भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, 0.20 सेकेंड, ठीक है, दैट वी कॉल द फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिग्री इनकम्प्लीट ब्लॉक, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स जो पहुंच रही है एवी नोड पे, उसका डिले जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अच्छा, हम जो भी डिग्रीज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिग्री करते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एवी ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि एवी इज द ओनली नॉर्मल पैसेज जहां से एट्रिया से इम्पल्स वेंट्रिकल में आ सकती है। ठीक है, तो जो है अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक दो तरह का होता है, ठीक है, जिसमें जिसको हम एक को कहते हैं मॉबिट्स वन, दूसरे को कहते हैं मॉबिट्स टू। मॉबिट्स वन में क्या हो रहा होता है कि जो है PR इंटरवल, यू कैन अप्रिशिएट ये PR इंटरवल है, ग्रेजुअली हर बीट के साथ बढ़ रहा होता है, ठीक है, दिस इज पी वेव, इट्स इंक्रीजिंग टिल देर इज अ ड्रॉप वेव, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको मॉबिट्स वन या मैंकी बैच कहते हैं। क्या हो रहा होता है, PR इंटरवल इज प्रोलॉन्गिंग विथ ईच बीट टिल देर इज अ ड्रॉप वेव, दिस इज मॉबिट्स वन और वैंकी बैच, ठीक है, इसका दो नाम है मॉबिट्स वन और वैंकी बैच।
सेकेंड डिग्री की दूसरी टाइप एक होती है जिसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। और वो पैटर्न क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टू बीट्स वेंट्रिकल में जा रही है, फिर ड्रॉप हो गई, फिर टू बीट जा रही है, फिर ड्रॉप हो गई। तो इस तरह का जो इस तरह की जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, इसको मोबिट्स टू कहते हैं। ये मोबिट्स वन से ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए जो है रिक्वायर करते हैं कि इसमें पेसमेकर मिलना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और जो मोबिट्स वन है उसके लिए पेसमेकर जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस जो है वो नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है कि जो है नन ऑफ द वेव फ्रॉम द एट्रिया इज पासिंग इनटू द वेंट्रिकल, एवी इज कम्प्लीटली ब्लॉक, ठीक है। एवी इज कम्प्लीटली ब्लॉक, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और इसमें क्या होगा, पी वेव आपको सेपरेट मिलेगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको सेपरेट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो क्योंकि परकंजी फाइबर्स ने आप जो है ना वो एज अ पेस मेकर काम करेंगे, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपको इस वाले जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको पी वेव के बाद यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव भी देख सकती है, ठीक है। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ईसीजी में एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव रीपोलराइजेशन वेव इसलिए दिखती है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन हो गई है। और अब ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, दे आर नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इम्पल्स विच इज कंडक्टिंग फ्रॉम द एट्रिया, ठीक है। दीज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस दे आर फॉर्मिंग ड्यू टू द परकंजी रिवर, ठीक है। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है अगर ये यूजुअली इस तरह से होता है कि ये टेम्पररी होता है, फिर उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है, फिर होता है, फिर रिकवर कर जाता है। तो इस पीरियड के अंदर जो सिंड्रोम होता है उसको हम कहते हैं स्टोकहेडन सिंड्रोम, यानी जब एवी ने स्टॉप कर दिया रिदम को ट्रांसमिट करना, ठीक है ना। तो उस वक्त टेम्पररी क्या होता है, हार्ट स्टॉप हो गया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन करना छोड़ दी बिकॉज एक्साइटेशन नहीं हो रही। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद 5 to 30 seconds के अंदर ना परकंजी फाइबर्स जो है दे स्टार्ट देयर ओन जो है एक्शन पोटेंशियल बाय देयर इंट्रिंसिक पेस मेकर एक्टिविटी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है पकंजी दे स्टार्ट बीटिंग, मगर पकंजी का जो बीट होता है दैट इज वेरी स्लोएस्ट बीट, मीन्स के ये 15 to 40 beats per second से ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी इंपल्स जनरेट नहीं कर सकता। सो इनिशियली स्टोकहेडन सिंड्रोम में क्या होगा, द पेशेंट विल फेंट एंड देन देयर इज अ रिकवरी बाय द वेंट्रिकुलर स्केप, बट हियर द हार्ट रेट विल बी वेरी स्लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टोकहेडन सिंड्रोम। किस किसका फीचर है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का फीचर है। पेशेंट जो है सडनली जो है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में गया, तो उसको वो फेंट हुआ, उसके बाद परकंजी ने टेक ओवर लिया, वेंट्रिकुलर स्केप हुआ। तो दिस कम्स एंड गोज एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट मैनेज पेशेंट लाइक दिस, तो हम इसको पेसमेकर देंगे ताकि ये वाला मसला जो है इसका हल हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो कुछ और है पीवीसी के ऊपर, ठीक है। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन जो है मीन्स के अगर जो नॉर्मल पेसमेकर है उसके अलावा कोई हार्ट का एरिया जो है वहां पे कोई एक्टोपिक फोकाई बन जाए और वो इम्पल्स जनरेट करना शुरू हो जाए, ठीक है। सो वो इम्पल्स जो है वो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अगर इस कॉन्ट्रैक्शन का ओरिजन एट्रिया है तो ये प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होंगी, और अगर इसका ओरिजन वेंट्रिकल्स है तो ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी, ठीक है। तो आप प्रीमेच्योर जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होंगी उनमें ऑब्वियसली पी वेव भी बनेगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, वो नॉर्मल होगा, लेकिन क्या होगा कि जो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल आएगा वो डिले होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और इसके अंदर जो है आप देखो जैसे यहाँ पे ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल, ये टाइम है जिसपे दूसरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ईच वेव इज फॉलोइंग द पी वेव, लेकिन यहाँ पे ये अर्ली बन गया, ठीक है। दिस इज सम एक्टोपिक फोका है जिसने प्रीमेच्योर जो है वो बीट की, ठीक है, जिसकी वजह से एक जो है पॉज आया, विच पॉज इज द कंपनसेटरी पॉज, ठीक है। और इस वाली कंडीशन के अंदर जब एट्रियल प्रीमेच्योर बीट जनरेट होती है तो आप जब पल्स देखोगे तो हार्ट बीट जो है इज नॉट इज अकरिंग बट देयर इज नो पल्स, तो दिस दिस इट विल मैच विद द पल्सेस डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या आगा कि ये जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हुई है यहाँ पे अभी वेंट्रिकल फिल नहीं है, तो यू वोंट फील द पल्स इन द पेशेंट एट दैट बीट, तो दैट वी कॉल द पल्सेस डेफिसिट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड सम प्लीज।
सिमिलर वे दैट दिस प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कैन अकर इन द वेंट्रिकल, लेकिन अब वेंट्रिकल की जो प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगी वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से दिखेगी? इसी के अंदर ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद टी इनवर्जन। ठीक है, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद टी इनवर्जन, ये जो होती है दैट इज कॉल्ड द प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसका फोकाई कहाँ होगा? वेंट्रिकल के अंदर होगा। ठीक है, पीवीसी जो है अगर कंटिन्यूअसली हमें ईसीजी में दिखते, ठीक है, तो दैट आर डेंजरस फॉर, जिसको हम जो है कहते हैं पैराग्लूटामल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, वो डेंजरस होती है, पेशेंट एट एनी टाइम कैन एंटर इनटू द वीएफ, तो हम उसको सीरियस लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक आध कोई पीवीसी दिख जाती है, नहीं पीएसी दिख जाती है, दैट इज द समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी एब्नॉर्मल। ठीक है, इट वुड बी सेम। अलाइना, स्टिल द वॉल्यूम इज लो, आई एम ट्राइंग टू बी एज लाउड एज पॉसिबल। It's fine now, ma'am. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम का क्या मतलब है? कि नॉर्मल क्यूटी जो जो इंटरवल है वो हमने कहा 0.4 सेकेंड से कम होना चाहिए, यानी 0.35 सेकेंड जो नॉर्मल जेसिसली का टाइम है, बिगनिंग ऑफ क्यू वेव से एंड ऑफ टी वेव तक। तो समटाइम्स क्या होता है कि कार्डियक रिपोलराइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है कि जितने भी आयनिक डिसबैलेंस होते हैं जो हाइपो में होते हैं वो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स करा सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवाते हैं। यानी इसके अलावा एंटी एरिदमिक ड्रग्स जो होती हैं या कुछ सर्टन एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोरोक्विनोल्स और एरिथ्रोमाइसिन, ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है एरिथमियाज जो है वो डेवलप होते हैं। समटाइम्स इट्स कंजेनाइटल। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम है, रिपोलराइजेशन नहीं हुई, प्री मेच्योर डीपोलराइजेशन हुई, एंड देन दिस लीड टू द लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ठीक है, तो आप इसके कॉजेस देख लो, ये सारे इसके कॉजेस हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, इट कुड बी द कंजेनाइटल। ठीक है, यूजुअली इट इज अक्वायर्ड। ठीक है, और कोई ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई एंटी एरिथमिक का साइड इफेक्ट हो सकता है। पैरॉक्सिस्मल टेकिकार्डिया हमने डिस्कस किए, ये देखो एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रियल और वेंट्रिकल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दीज आर द टेकिकार्डियास। ठीक है, और जो है इसके अंदर जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वुड बी एग्जैक्टली नॉर्मल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई एट्रियल टेकिकार्डियाज में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पी वेव जो है एट्रियल टेकिकार्डियाज में, इफ द फोका इज नियर द इवेनोड, तो पी वेव इन्वर्जन आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये दिस कैन बी सीन इफ द पेशेंट इज स्लीपलेस। ठीक है, इंसोमनिया में दिख सकती है, ओवर यूज ऑफ कैफीन की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। ठीक है, सो ये इतनी ज्यादा जो है डेंजरस नहीं होती है। ठीक है, बट अगर हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ईसीजी वेव। ठीक है, दे आर ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड द इन्वर्टेड टी वेव। ठीक है, सो दे आर द डेंजरस एंड वी नीड टू लुक इनटू इट के ये जो है पेशेंट किसी वक्त भी कोई मेजर जो है वीफैब वगैरह में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यूजुअली हाँ वी नो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है इज द मोस्ट डेंजरस जो है एरिथमिया ऑफ द हार्ट। ठीक है, एंड द रीजन कुड बी द डायलेटेड हार्ट हो सकता है, इम्पल्स का ब्लॉकेज हो सकता है, या ड्रग की स्टिमुलेशन हो सकती है जिसकी वजह से होता है। नॉट डिस्कसिंग दैट इन डिटेल, ईसीजी सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। ईसीजी जो है बिल्कुल इस तरह से मिलेगी, इनिशियली थोड़ी सी उसकी वोल्टेजेस होंगे, लेकिन आफ्टर जो है सर्टन आफ्टर सम टाइम जो है वोल्टेजेस बिल्कुल 0.1 मिली वोल्ट तक हो जाएंगे। तो वी नीड द वी डिफिब्रिलेटर, और वी नीड द इमीडिएट सीपीआर टू द पेशेंट के पेशेंट रिवाइव करे। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन की क्या साइन होगी? पी वेव नहीं मिलेगी ईसीजी में, और इरेगुलर जो है ना आपको इरेगुलरली इरेगुलर बीट मिलेगी। ठीक है, दैट इज द साइन इन ईसीजी ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन, पी वेव जो है, और हार्ट रेट्स बहुत ज्यादा होंगे और इरेगुलर होंगे। ठीक है, इसकी बनिस्बत अगर हम फ्लटर को देखें तो फ्लटर में क्या होगा? पी वेव जो है आपको प्रोमिनेंट जो है पी वेव्स मिलेंगी, बहुत फोर्सफुल पी वेव्स आपको मिलेंगी जो कि टॉल होंगी पी वेव्स, तो वो फ्लटर का साइन है। अगेन टेकिकार्डियाज होंगे इसके अंदर, ये जरूरी नहीं है कि हर पी वेव जो है उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को वो फॉलो कर रही है। तो कोई पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करेगी, प्रोसीड करेगी, कोई नहीं करेगी, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो जो स्केप करके वेंट्रिकल में आ जाएगी उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो नहीं आएगी उसमें नहीं बनेगा। ठीक है, सो दीज आर द सर्टन ईसीजी चेंजेस। ठीक है, नॉर्मल अगर पोटेशियम लेवल्स हैं तो ये टी वेव जो है वो पी वेव से 2-1 बॉक्स ऊंची होती है। ठीक है, अगर हाइपरकेलीमिया है टॉल टेंटेड टी वेव्स,
ठीक है, और ज्यादा हाइपरकलीमिया हो जाए, मींस 8.5 से ज्यादा हो जाए, 7 तक तो ये था, तो उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स भी ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, हाइपोकलीमिया के अंदर इनिशियली जो आएगा वो UV आएगा, और ज्यादा हाइपोकलीमिया हो जाए तो देन वी हैव अ टी इन्वर्जेंस। क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो। टॉक डिस्कस कर लें या जो है नर्वस सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेशन मींस ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन डिस्कस कर लें, क्या डिस्कस करें? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है तकरीबन 20 मिनट। यहाँ आज के लिए काफी है, आई थिंक हम 2 दिन और जो है जी, प्लीज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, ये वाला पोर्शन डिस्कस कर लें या शॉक डिस्कस कर लें, या यहाँ पे क्लोज करें क्लास को? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्दी से बता दो। ओके, मैम शॉक डिस्कस करें। शॉक डिस्कस कर लें, पढ़ना नहीं। बैरोरिस, अच्छा एक शॉक का आ गया, एक बैरोरिसेप्टर का आ गया, आप कोई और भी एक मुझे बता दे जल्दी से। ओके शौक, तो शायद ने शौक कह दिया। चलो फिर अब शौक पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो है ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग दिख रही है आपको होती हुई? हाँ हो रही है। अच्छा जी, शॉक, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ शॉक। ठीक है, शॉक और इस्कीमिया में फर्क क्या होता है कि शॉक एक जनरलाइज टर्म है जहाँ पे जब ओवरऑल जो है इनएडिक्वेट परफ्यूजन और ऑक्सीजनेशन ऑफ सेल होगी तो हम उसको शॉक कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, शॉक, हाँ मेन मसला क्या है कि ऑर्गन डिसफंक्शन है, सेलुलर डिसफंक्शन है, हम क्यों हम क्योंकि मैं फर्स्ट MBBS को पढ़ाती हूँ तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है, वी ऑल नो के हाई मोर्टेलिटी है शॉक की। सो वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ द शॉक। ठीक है, द कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, शॉक बाइपोवॉलेमिक शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इनके कॉजेस पता होने चाहिए साथ में, और साथ में ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंसल्ट हुई है किस वाले शॉक में और कौन सा पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अच्छा नो मैम, एक सेकेंड, अब शेयर हो रही? यस ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द शॉक जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा अगेन जो मेन पैरामीटर है, हम देखते हैं कि पेशेंट को किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं द पेशेंट इज द शॉक, इज द मेन पैरामीटर जो डिटरमिन करता है कि टिश्यू परफ्यूजन नॉर्मल है या नहीं है, दैट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है कि वन ऑफ दीज टू पैरामीटर्स, आइदर द कार्डियक आउटपुट और TPR, ठीक है, ये जनरलाइज जो है अफेक्ट होता है जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पीछे देखें, 4 टाइप ऑफ शॉक देखें, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है यहाँ पे TPR का मसला होता है, बाकी जितने भी शॉक हैं चाहे कार्डियोजेनिक हो, ऑब्स्ट्रक्टेड और हाइपोवॉल्यूमिक हो, यहाँ पे मेनली कार्डियक आउटपुट का इशू होता है। ठीक है, कॉज कुड बी द डिफरेंट, मगर इसमें जो मेन इंसल्ट हो रही होती है वो कार्डियक आउटपुट के साथ हो रही होती है। ठीक है, हम इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। सो कार्डियक आउटपुट इंटू TPR। अच्छा, अब कॉम्पनसेशन कैसे हो रही होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो दैट द कार्डिक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, सो कार्डियोजेनिक शॉक कोई भी कंडीशन जिसमें हार्ट जो है फेल्स टू पंप। अब उस फेल्स टू पंप में सबसे कॉमन हम सबको पता है कि जो है, यहाँ पे मैं वापस आऊंगी। ठीक है, जैसे हमें पहले बैरोरिसेप्टर डिस्कस कर लेने चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई कल कर लेंगे। तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेस कुड बी द सम सिंपलेस्ट MI से लेकर मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, टू मैकेनिकल डिसफंक्शन जिसमें सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस या वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म,
या एरिथमियाज जिसमें हार्ट ब्लॉक्स, ठीक है, जो है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ड्रग्स की वजह से, ये कोई भी कॉज जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक का हो सकता है। एंड वी ऑल नो कि हम इनमें से कुछ को जो है इजिली ट्रीट कर सकते हैं और कुछ को, जैसे एमआई हुआ है किसी को, तो इट्स नॉट इन आवर हैंड कि कितना सीवियर इंसल्ट हुआ है कि हम उसको वापस रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। सो मेनली कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर प्रॉब्लम कहाँ हुई है, इन द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो द कॉम्पनसेशन कैसे होगी कि बॉडी का टीपीआर जो है उस पेशेंट का बढ़ता जाएगा, दिस इज कॉल्ड द कॉम्पनसेशन। इफ दैट टीपीआर विल इनफ टू मेंटेन द मीन आर्टरियल प्रेशर, तो वो सब्जेक्ट की जो है जो शॉक की कंडीशन होगी वो कॉम्पनसेटरी फेज में चली जाएगी, और अगर वो कॉम्पनसेशन फेल हो जाएगी, ठीक है, सो वो सब्जेक्ट जो है वो प्रोग्रेसिव शॉक में चला जाएगा, और जहां से वो इरिवर्सिबल शॉक में भी जा सकता है, जहां से हम उसको जितना भी ट्रीट करें वी कैन नॉट रिवाइव बैक द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ द शॉक है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, हार्ट को पाम को कोई मसला नहीं है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, अब उस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अगेन कॉम्पनसेशन टीपीआर से ही होगी, ठीक है। एंड इफ टीपीआर इज फेल, मीन आर्टरियल प्रेशर वोंट कम बैक, और हमें अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, इफ वी कैन ट्रीट दैट पेशेंट, ठीक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग द मैनेजमेंट, वो आप लोग मेडिसिन में करोगे, बट द कॉजेज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड शॉक वुड बी द मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, इट कुड बी द एओर्टिक डायसेक्शन, टेम्पोनेट हो सकता है, टेंशन न्यूमोथेरेक्स हो सकता है, वाना कावा सिंड्रोम्स हो सकते हैं, सिकल सेल स्पिनिक सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, तो इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड शॉक का। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हाइपोवॉलेमिक। अच्छा, हाइपोवॉलेमिक के अंदर देर इज ए लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये रिगार्डिंग वो फर्स्ट एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के हिसाब से हैं, तो आप इनको ओवरलुक कर दो, उनके लिए सिनेरियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो है यहाँ पे हाइपोवॉलेमिया कुड बी द सिंपल हैमरेज, जीआईटी ब्लीडिंग, ठीक है, और इट कुड बी द हाइपोवॉलेमिक शॉक, पेशेंट कैन गो विद द रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो भी हाइपोवॉलेमिक शॉक होती है, ठीक है। पेंक्रियाटाइटिस है, दैट इज ऑल्सो हाइपोवॉलेमिक शॉक, क्योंकि थर्ड स्पेस में लॉस हो रहा होता है, ठीक है। डीके का पेशेंट जो है वो भी हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाता है, एडिसन क्राइसिस का पेशेंट भी हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा रहा होता है, बांस की वजह से भी हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा होता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो हाइपोवॉलेमिया के ही कॉजेस है, ठीक है। एंड अमेरिका में सबसे ज्यादा इजी टू ट्रीट होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक, क्योंकि हम फ्लूइड और ब्लड से इसको कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि टीपीआर कम हो गया, ठीक है। अब टीपीआर किस किस वजह से कम हो सकता है, तीन तरह के कॉजेज हैं, एक है द इन्फेक्शन, दैट इज द सेप्सिस, सेप्सिस, ठीक है, सेकेंड इज द एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, एंड थर्ड इज द न्यूरोजेनिक कॉज, ठीक है। ये तीन कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है वेसल्स जो है, अब ये कौन सी वेसल्स की बात हो रही है, टीपीआर की जब हम बात करते हैं तो हम आर्टीरियोल्स की बात करते हैं, रिमेम्बर टीपीआर, नॉर्मल टीपीआर इज मेंटेन बाय द द आर्टीरियोल्स, ठीक है। डिक्रीज टीपीआर मींस द आर्टीरियोल्स के अंदर टोन लॉस हो गई है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, कुछ भी रीजन हो सकता है, इट कुड बी द मेल फंक्शनिंग ऑफ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि डीप एनेस्थीजिया में होता है, ब्रेन डैमेज में होता है, या स्पाइनल एनेस्थीजियाज में होता है, और इट कुड बी द सम एलर्जिक रिएक्शन इन द एंटायर बॉडी, जो कि जैसे एनाफाइलेक्सिस है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस, ठीक है ना, तो दैट कुड बी द रोज द कॉज ऑफ द जो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसके अंदर कार्डियक आउटपुट आपको इंक्रीज मिलेगा, तो एमसीक्यूज में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें इस शॉक में जो है कार्डियक आउटपुट जो है वो हाई होगा, ठीक है, हाई कार्डियक आउटपुट होगा, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वेजो डायलेशन होगी, फीवर मिल सकता है अगर सेप्सिस है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो डीआईसी के साथ भी प्रेजेंट करेगा। डीआईसी में होगा क्या, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में होगा क्या, जब ब्लड स्लज हुआ इन द स्मॉल कैपिलरीज में जाके रुक गया तो सारे के सारे जो है प्लेटलेट्स यूज हो गए, क्योंकि क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो गए, तो आपको ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, पीटी बढ़ा हुआ मिलेगा, एपीटीटी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी दोनों एंड पे मिलेंगे, यहाँ तो आपको ल्यूकोपीनिया मिलेगा, डब्ल्यूबीसी बहुत कम होंगे, यहाँ आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द पिक्चर ऑफ द डीआईसी, ठीक है, वी हैव डन विद दिस द पोर्शन ऑफ द शॉक मेरे ख्याल में।